विदेश नीति का फ्लॉप शो। नीति कैसे नहीं बननी चाहिए ये बात साहब की सरकार से बहुत बढ़िया तरीके से सीखी जा सकती है। जिस सरकार ने खुद के सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादों के सहारे जनता को झूठी पिक्चर दिखलाकर बरगलाया था, विदेश नीति के मोर्चे पर साहब की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और जनता को विदेश नीति के नाम पर बस मीठी गोली पकड़ा दी गई है। साहब ने विदेश नीति के नाम पर बस अपनी विदेश यात्राओं में कमी नहीं आने दी है और उसे हमेशा 56 इंची विदेश नीति के रूप में पेश किया है, जबकि सच्चाई क्या है ये बात सबको समझ आ चुकी है। जनता को पता लग गया है कि उन्हें विदेश नीति के नाम पर बस झूठ परोस दिया गया है और साहब की विदेश नीति पूरी तरह से खोखली है। अनभक्तों ने साहब के फेलियर को भी महानता की श्रेणी में लाकर उन्हें युग पुरुष बनाने के लिए सारा जोर लगा दिया है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सभी देशों से हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हो चुके हैं। चीन हमारी सीमाओं में घुस चुका है, लेकिन साहब ने यात्राओं को विदेश नीति समझ लिया है। अब जब साहब सत्ता से जाएंगे तो ही शायद बदलाव संभव है कि बाहरी देशों के साथ साथ देश में भी चीजें तभी ट्रैक पर आ पाएंगी।